ड्रेस से था, हर ड्रेस पहन के आ गए थे और सभी जो बिल्कुल नहीं जानते थे उनको उसने ले लिया। इतना इसमें टैलेंट है। तिवारी जी को जानते होंगे, जानते हैं तिवारी जी? उनका इतना खौफ था, वो खाली स्कूल में घुसते थे सब डर जाते थे। और फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली, मैं उनकी भतीजी थी और मुझसे कोई बोलता ही नहीं था। अरे इनसे दूर रहो, कोई दोस्ती नहीं करता था मुझसे। उनकी भतीजी होने के नाते मुझसे कोई बात नहीं करता था, सब दूर दूर रहते थे। एक नीना थी जिसने मुझे संभाला। मेरी भी इधर वाली दीदी भी जानती है और इधर वाली छोटी बहने भी जानती है। नहीं जानती बैच जिसके नाम ले रही हूँ, तो आप जो भी उस बैच से हो तो आ जाओ एक साथ। 85, 86, 87, इसके आगे जिनका नहीं हुआ है वो आते जाओ। ये मेरे जो पास खड़ी ये है रेनू चौधरी, हॉकी खेलती थी और बैंड की भी ये कैप्टन रही हुई है। और होली और ये तो मनस्ली का सबका फेमस है। और शुचि से पूछ लेना कि ये होली कैसे खेली थी शुचि के साथ। हम लोग वनस्थली प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जैसा कि
तो मैं सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड एवरीबॉडीज हार्ट थैंक्स अ लॉट बोलना चाहती हूँ। और जैसा कि हम लोग सबसे पहले मेरी छोटी बहन ने 12 तारीख को मुझे फोन करके इस गेट टुगेदर के बारे में बताई, तो तब दैट डे आई वाज उस दिन खुशी के मेरे खुशी से पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। और जैसा कि जैसे मैं यहाँ आई हूँ 93 से, तो बहुत सारे ऐसे और भी हैं जिनके बैच के और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि यहाँ रह के हमें ऐसा लगता है वनस्थली से हमारा गहरा जुड़ा काफी है हम सबको एक पल में बंधन में बांध देने को। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं या पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, और वो सारी यादें ताजा हो रही हैं, तो ऐसा लगता है हम सबका वही अनुभव है। और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और मैं सोचती हूँ कि ये हम सभी का ही एक्सपीरियंस है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस आज अगर हम अपने सारे रोल्स को फील कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वनस्थली की एजुकेशन है। और यहाँ आने से पहले मैं सोचती हूँ कि शायद हम सबके दिल में कुछ ऐसी ही बातें थी, बहुत सी यादें हैं जो सबने शेयर किए हैं। मैं कविता की कुछ चंद पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहते थे कहाँ गई वो मेरी सखियाँ, करती थी जिनसे मैं सुख दुख की बतियाँ, कहाँ गई वो मेरी सखियाँ, घुमा करती थी हाथ पकड़कर जिनसे वनस्थली की गलियाँ, कहाँ गई वो मेरी सखियाँ। और मनाना साथ में दीपावली और होली की अटखेलियां, वो भाभी का गाना, प्राण मित्रों भली का गाना, वर्ण झंडा ये नीचे झुकाना, और अपनी छोटी बड़ी समस्या लेकर दादा के पास जाना और उनका तुरंत हल बताना, और शीला जी का नाटक मंचन करवाना, जी की एक डांट से डरकर सबका चुप हो जाना, और वो दीदी का हमसे कहना, और वो ब्रेड का स्ट्राइक करना, रोज रोज नहीं खाएंगे ब्रेड ये कहना, सीनियर जूनियर के मसले पर डांट भी खूब खाते थे पर तुरंत ही एक जान हो जाते थे। वनस्थली थी हमारी सुंदर बगिया, खिलती थी इसमें शिक्षा की शुभ कलियां, और आज वो दिन तब सोना और रातें चांदी थी, मिलकर हम सभी त्योहार मनाते थे, सुख आता तो हंसते थे और दुख आता तो भी मिलकर लड़ते थे। आज कहीं लगता है हम भीड़ में खो से गए हैं, अपने में कुछ सिमट से गए हैं, इसीलिए तो हजारों मील दूर फुर्सत के 3 दिन चुरा कर दौड़े चले आए हैं, और यहाँ मिलकर लगता है हम फिर एक हो गए हैं। और ये आज फिर ये एहसास है कि हमको जिन्होंने धमाल कर बुलाया है उनको कोटि से धन्यवाद। जमी थी सबसे मिलने को, इसी आस में कंप्यूटर पे थी हमारी जमी अखियां और ढूंढ रहे थे हमें कि कहीं से मिल जाए हमको फिर से हमारी पिछड़ी सखियां। तो धन्यवाद हमें धमाल करने धमाल पर बुलाने वालों को, मिला दी हमारी वही पिछड़ी सखियां। थैंक यू वेरी मच। मैंने 2 साल ही वहाँ पे पढ़ाई करी और उसके बाद मैं रसायन शास्त्र प्रवक्ता स्कूल में 2 साल मैंने पढ़ाया, और थैंक यू सो मच। और मैं ये शेयर करना चाहूँगी आप सबसे कि जब मैं यहाँ से वापस गई थी और मैंने सोचा कि शायद जॉब नहीं मिलेगी मैरिज के बाद, तो चलो पढ़ाई और कर लें, तो मैं CI में दिल्ली यूनिवर्सिटी में MEd के इंटरव्यू के लिए गई। एंड द मोमेंट आई टोल्ड देम, उन्होंने मतलब से एक वाक्य पूछा कि आपने BEd कहाँ से, आपने MSc की जो है शिक्षा कहाँ से ली, तो मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा वनस्थली विद्यापीठ, क्योंकि मुझे लगा शायद दिल्ली में इसको मतलब पता नहीं किस तरीके से लिया जाए।
आप यकीन मानिए उन्होंने कहा बस आपने इतना कह दिया तो आप जो है यहाँ के छात्र बने। मतलब उन्होंने मुझसे आगे एक सेंटेंस नहीं पूछा और मुझे उस टाइम इतना आई रियली फेल्ट सो प्राउड कि मैंने आगे फादर इन लॉ से अपने कहा कि मैंने कहा डैडी इतना मतलब जो है इतना फेमस है वनस्थली मुझे नहीं पता था। और जब अब मैं वहाँ पे भी मैं टीचर हूँ दिल्ली में लेकिन मुझे आज तक ऐसे बच्चे नहीं मिले प्यार और जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट शायद मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी भावुक हो जाऊँगी लेकिन मैं 4 साल वनस्थली में रही एंड दोज वर द बेस्ट गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ एज स्टूडेंट एंड एज टीचर। थैंक यू वनस्थली, थैंक यू सो मच।